प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने जनपद के अधिकारियों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मंडलायुक्त अनिल डिगरा ने मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, कार्यों को समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं आशा कार्य क्षेत्र एकीकरण का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा की अध्यक्षता में दूसरे दिन भी रहा जारी, गांव में जाकर सर्वे सहित करेंगी अनिकार। जनपद में हुई छिटपुट वर्षा, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा अगले 24 तारीख तक जनपद में गर्ज के साथ होंगी छिटपुट वर्षा। देश में महिला आरक्षण बिल लागू होने पर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने पीएम मोदी को दी बधाई, कहा अब महिलाएं संसद में रख सकेंगी महिलाओं के हक की आवाज। अररिया थाने की पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, सीओ चौरी चौरा योगेंद्र सिंह ने दी जानकारी। थाना की पुलिस टीम द्वारा लूट का अपराध कारित करने के आरोप में दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से लूट की मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। अवैध शराब बिक्री को लेकर महिलाओं द्वारा की गई शिकायत पर कैंपियरगंज पहुंचे एडीजी अखिल कुमार ने मुसाफर गांव में लगाई चौपाल, महिलाओं और बालिकाओं की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के दिए निर्देश। गोरखपुर में डेंगू के मरीज की लगातार बढ़ती जा रही है संख्या, जनपद में 58 केस की सीएमओ ने की पुष्टि, कहा डेंगू से बचाव का स्वच्छता एकमात्र है उपाय। अक्टूबर से शुरू होने वाले संचारी रोग अभियान के तहत सीएमओ कार्यालय स्थित प्रेरणा श्री सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों की गई बैठक, विभिन्न विषयों पर की गई चर्चा, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिले के 84 कोल्ड चेन हैंडल्स को तकनीकी जानकारियां देकर उनका किया गया क्षमता संवर्धन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी जानकारी। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290, कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की राज्य विजय लक्ष्मी गौतम ने जनपद के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सभी विभागों के मंत्री जनपद में जाकर अपने अपने विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा विभाग की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ जनता तक कितना मिल रहा है इसकी भी जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा गांव में जाकर चौपाल भी लगाया जाएगा और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा, आज ये मेरा गोरखपुर जनपदीय दौरा है, चूंकि हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जितने हम सहयोगी मंत्री हैं सभी जनपद जनपद जा करके अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक और भी विभागों की जो नई नई योजनाएं काम कर रही हैं उसका देख रेख भी करते हैं, हम लोग निरीक्षण भी करते हैं और कहीं कुछ दिखता है कम बेसी तो उसको अपना समझाते हैं, बात करते हैं। उसी दौरान हम आज गोरखपुर, चूंकि हमारे देवरिया जनपद के बगल सटा हुआ है और मैं और 43 जनपद कर चुकी हूँ लेकिन गोरखपुर बीच में मैं नहीं कर पाई थी, तो अपने विभागीय आज समीक्षा बैठक करूंगी, चौपाल भी करूंगी, क्योंकि मैं हर जनपद में जहाँ जाती हूँ तो अपने अनुसूचित बस्ती में एक चौपाल जरूर रखती हूँ, कहा जिसी दौरान मैंने एक अनुसूचित बस्ती में चौपाल भी रखा हुआ है और विभागीय निरीक्षण भी करूंगी कि मेरे विभाग से क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है।
मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों के आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त अनिल ढिगरा ने कहा कि शासन के द्वारा जो भी मंडल में कार्य चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो कार्य चल रहे हैं अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर कार्यों का निरीक्षण करें जिससे कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, CDO संजय कुमार, मीना नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, DFO विकास यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले गवर्नमेंट किया कि मेजर टू कट एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो परसेंटेज ऑफ ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मल्टी ने चार कर दिया, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज है सर, जेसी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उन्होंने बोला केवल ओनली 22 इंडस्ट्रीज अगेंस्ट 152 इंडस्ट्रीज शिफ्टेड। जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा की अध्यक्षता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्य क्षेत्र एकीकरण का जनपद स्तरीय प्रशिक्षण दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके संबंध में जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने बताया कि ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें 6 विकास खंड के बाल विकास परियोजना अधिकारी शामिल होकर प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत व राजस्व ग्राम लेवल पर सर्वे के कार्य, गर्भवती महिलाओं का डाटा सुरक्षित कलेक्ट किया जाए जिससे आने वाले दिनों में सभी कार्य आसानी से हो सके। ब्लॉक के CDPO में और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के DGM में, DCO में, HEO में, वो सभी इस प्रोसेस को समझ लें, क्योंकि आंगनवाड़ी और आशा को जो मेनली लीड करते हैं वो आप लोग ही हैं ब्लॉक्स। तो आपको यहाँ से प्रशिक्षण लेके ब्लॉक लेवल पे 2 दिन का प्रशिक्षण आशा समिति, मुख्य सेविका और ANM का करवाना करने की कार्यवाही करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव बस आपको इतना समझना है कि एक आशा पे हमें एक आंगनवाड़ी पे एक आशा को लेके आना है। आंगनवाड़ी को आधार मानते हुए ही पूरी प्रक्रिया की जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। आज की पूरी ट्रेनिंग में हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे, एप्लीकेशन का यूज क्या है और हमारे जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनकी भूमिका क्या हो, जो पंचायत के लोग हैं, जो RCDS विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, सभी की क्या भूमिका होगी और कैसे हमें लेके जाना है उसको लेके हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों ने प्राथमिकता पे लिया है और आपको पता भी है कि गोरखपुर वैसे भी एक CM का क्षेत्र है और प्राथमिकता यहाँ की हर चीज़ प्राथमिक ही होती है। तो हम लोग गोरखपुर से स्टार्ट कर रहे हैं और गोरखपुर की जो लर्निंग्स होंगी वो पूरे प्रदेश में रिप्लीकेट की जाएंगी और कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिसने इस तरह की कोई गतिविधि करी है। तो हमारा जो प्रदेश है और हमारा गोरखपुर जो है वो पहला जनपद और पहला प्रदेश है जहाँ से हम इस गतिविधि का संचालन कर रहे हैं। आशा के काम क्षेत्र एकीकरण के संदर्भ में चल रही है, इस उपस्थित सभी विकासखंड स्तर से जो 6 विकासखंड आ गए हैं वहाँ के बाल विकास परियोजना अधिकारी, साथ ही उनके साथ जो है इस टीम से जुड़े हुए MO/RCDS उपस्थित थे। प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराने के लिए स्टेट स्तर से किसी की टीम जो आई हुई है, उसके साथ साथ अन्य कर्मचारीगण, आप सभी का इस दूसरे सत्र में जो है दूसरा दिन है सत्र का, उसमें सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी भीग गए हैं, मैं अपना भी परिचय बता देता हूं, लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि मैं राजमणि वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोरखपुर। आज इस सत्र में, कल जो सत्र चला था वो बहुत ही उपयोगी मेरे हिसाब से रहा है, कल भी मैंने प्रतिभाग किया था और आज 6 विकासखंड जो के प्रतिभागीगण आए हुए हैं उसमें चंदावा है, पिपराइच है, सरदार नगर है, गोला है, गधरा है और पाली, ये 6 विकासखंड के। इसमें ये आवश्यकता क्यों महसूस की गई, ये सभी लोग मंथन करने की जरूरत है कि जो विलेज लेवल पर हमारी टीम काम करती है उसमें मुख्य रूप से बाल विकास और साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आधारभूत व्यवस्थाओं को निकट भविष्य में उपयोगी बनाने के लिए एकीकरण के रूप में लिया जाना है, यानी दोनों विभागों के या अन्य सहयोगी अन्य विभाग
डिपार्टमेंट बोले जाते हैं, उनके सहयोग से एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कैसे हम जो है एक रूप में लेकर चलें। प्रायः देखने में आता है कि बाल विकास परियोजना कार्यालय से या उस विभाग से जुड़े हुए जो भी हमारे कार्यकर्ती और सहायिका हैं या सुपरवाइजर हैं, यहाँ तक कि वहाँ से जो सर्वे की बात आती है और उसी ग्राम पंचायत लेवल पर जो राजस्व ग्राम की है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने कहा, ये प्रशिक्षण सत्र जो आंगनबाड़ी एवं आशा कार्य क्षेत्र एकीकरण संदर्भित ये प्रशिक्षण चल रहा है, ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है और 3 दिवस में एक पहला दिन जो है कल समाप्त हो चुका है, जिसमें 6 विकासखंड के जो है प्रतिभागियों ने इसमें सम्मिलित होकर के प्रशिक्षण लिया है। दूसरा आज दिन है जिसमें 6 विकासखंडों के MOIC वहाँ के जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी या और उनसे जुड़ी हुई टीमें यहाँ पे प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो है ग्राम पंचायत और राजस्व ग्राम लेवल पर जो सर्वे आदि का कार्य है, जिसमें कि बच्चों से लेकर के गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, किशोरियों आदि का है, उनका जो है डाटा मिसमैचिंग ना हो, एकीकरण के संदर्भ में मुख्य उद्देश्य इसी के प्रशिक्षण सर ये पूरे दिन का है और कल जो है शेष जो विकासखंड है उनका भी प्रशिक्षण ये आयोजित करा करके मुख्य उद्देश्य बाल विकास से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बिंदुओं को एकीकरण के रूप में जो है सर्वे आदि का काम करा करके पूरा किया जाना है। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। जनपद में शुक्रवार को छिटपुट वर्षा हुई, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार 24 सितंबर तक गोरखपुर को येलो जोन में रखा गया है। इससे संभावित है कि अगले दिनों में गरजने के साथ छिटपुट वर्षा होने की संभावना रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि बारिश हो रही हो तो पक्के मकान में ही रहें, आप पेड़ के नीचे ना रहें, हमेशा पक्के मकान में ही रहें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा मतलब आज की डेट से 22, 23, 24 और ये 3 दिनों तक जो है वो येलो जोन में गोरखपुर को रखा गया है, तो ये संभावित है कि अगले 2-3 दिनों में भी हमें छुटपुट वर्षा होने की संभावना इस क्षेत्र में रहेगी और गर्जन भी होने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है, तो ये संभावित है कि अगले 2-3 दिनों तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। देखिए ये मौसम थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं पे हो सकता है हल्की बारिश भी और कहीं तेज़ बारिश भी हो सकती है, तो इसलिए हमेशा जब भी मौसम इस तरह से रहे और अगर गर्जन हो रही हो तो पक्के मकानों में ही शरण लिए रहें, क्योंकि वज्रपात के दौरान अगर आप कहीं खुले स्थान पे हैं, किसी एकल वृक्ष के नीचे हैं, तो वो एक हानिकारक है और वो हो सकता है आपके साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाए, तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि जब कभी भी इस तरह के मौसम में बदलाव हो, वज्रपात हो रहा हो, तो उस समय दामिनी और सचेत ऐप को जरूर एक बार जरूर से चेक कर लें और यथासंभव अपने आप को पक्के मकान में ही रखें। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंतर के राज्य मंत्री ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि इसके लिए प्रदेश की सभी महिलाओं की तरफ से बधाई देती हूं, क्योंकि काफी सालों से लटका हुआ महिला आरक्षण बिल PM मोदी के नेतृत्व में देश में लागू हो गया, इससे महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आएगा। अब महिलाएं संख्या बल में सदन में पहुंचेंगे और महिलाओं की बात को सदन में रखेंगे, ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। इससे महिलाएं लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश में जब 2024
पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने थे तभी से ये मांग हुई थी और ये रुका हुआ था। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, ये उसी का परिणाम है। अब महिलाएं भी सभी के कंधों से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास अभियंत्रण के राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा, महिला आरक्षण बिल हमारी केंद्र सरकार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कि ये 9 साल के नेतृत्व में जो एक तो पहले से जब से हमारी सरकार बनती तब से ही आधी आबादी को लगातार प्रोत्साहित करते हुए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बीसी सखी के माध्यम से जो गांव में रह रही हमारी बहनें थी उनको प्रोत्साहित करके रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही थी। लेकिन ये महिला आरक्षण जो हमारे लोकसभा के सदन में बैठने वाले आरक्षण आज हमें मिला है ये बहुत ही सराहनीय है। इससे हमारे ये दोनों पहिया जो महिला और पुरुष का है ये बराबर काम करेगा और निश्चित रूप से इस आरक्षण से हमारी बहनों का इस देश की महिलाओं का बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के अनुक्रम में चलाए जा रहे अभियान के तहत गुलहरिया थाने की पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान विनोद बेलदार पुत्र रामहरि बेलदार निवासी जंगल डुमरी नंबर 1 टोला चिरकुट थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र दुबे, हेड कांस्टेबल राजकुमार व कांस्टेबल रविशंकर शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए CEO चोरी चोरा योगेंद्र सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में संगठित अपराध के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के क्रम में थाना गुलहरिया पर 669/23 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसके आरोपी विनोद बेलदार पुत्र रामहरि जो कि जंगल डुमरी नंबर 1 थाना गुलहरिया का रहने वाला था इसको गुलहरिया थाने के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा अवैध तरीके से शराब का कारोबार किया जाता था जिसके खिलाफ की थाना गुलहरिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा लूट के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रामगढ़ताल थाना की पुलिस टीम द्वारा लूट का अपराध कारित करने के आरोप में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से लूट की गई मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जहाँ पर उसे जेल भेज दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक CEO कैंट मानुष पारिक ने कहा, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज SP सिटी महोदय के मार्गदर्शन में थाना रामगढ़ की टीम ने 2 लूट के अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 1 मोबाइल फोन और 1 बाइक ये बरामद हुए हैं। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जिले के मूसापार गांव की लड़कियां शाम होते ही घरों में कैद हो जाती हैं। इसकी वजह कुछ और नहीं, शराबियों का खौफ है। इसी खौफ के साए में रह रही एक लड़की के मैसेज ने 2 दिन से पुलिस महकमे में हड़कंप मचाया था। मामले का संज्ञान लेकर ADG अखिल कुमार द्वारा शुक्रवार को चौपाल लगाकर महिलाओं को बालिकाओं की शिकायत सुनी गई। इस दौरान ADG द्वारा अवैध शराब बनाने और बिक्री करने पर रोक लगाने के लिए चौपाल में मौजूद महिलाओं व बालिकाओं को आश्वस्त किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया कि अवैध शराब के कारोबार में लिप्त कारोबारियों को जल्द गिरफ्तार कर अवैध शराब बनाने और बिक्री करने पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाए। इस दौरान SP नॉर्थ मनोज अवस्थी, CEO चोरी चौरा योगेंद्र सिंह और कैंपियरगंज थाना प्रभारी अनूप कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। क्या नाम बिटिया?
नहीं नहीं फंसे, क्या शुभ नाम है? सत्यभामा। आप भी इसी गांव की हैं? हाँ इसी गांव का, गोला पड़ गया सर। अच्छा, आपका जी परोलिया के पुलिस? दो दिन पूर्व किसी ने बताया, और गांव की कोई बच्ची थी, महिला थी, उन्होंने ये बताया, किसी माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि गांव की लड़की महिलाएं बच्चियां जो गांव में कच्ची या महिला पुलिस अधिकारियां अभी रहेंगी इस गांव में, और वो घर घर जाएंगी, इतने अन्य सभी घरों में जाएंगी, महिलाओं से मिलेंगी और अपना नंबर और संबंध बना के रखेंगे, ठीक है ना, ताकि उनको आपस में सीधे हमारे बच्चियों से और महिलाओं संपर्क रहें, उनके माध्यम से हमें सूचना मिले, ठीक है ना। ये यहाँ पर आप तो जान रहे हैं, इस गांव के आप लोग कौन है? आप लोग गांव के हैं? प्रधानाचार्य है। कौन है टीचर? कौन है आप? है क्या शुभ नाम है? पांडे जी। कब से हैं? कहाँ, यहीं गांव में रहते हैं? अच्छा, तो यहाँ का बीट पुलिस अफसर कौन है? नहीं नहीं, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो बताओ तो, ठीक है? अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग, और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। गोरखपुर में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मरीजों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। शहर में लगाए गांव तक डेंगू से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ साथ मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। शहर में नगर निगम द्वारा फॉगिंग करने के साथ साथ दवा का छिड़काव किया जा रहा है। इस संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि वर्तमान समय में जनपद में 58 केस पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5-5 बेड व जिला चिकित्सालय में 20 बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, डेंगू के लिए अभी तक जनपद में हमारे पास 58 केसेस निकले हुए हैं, और लगातार हमारी टीमें जहाँ जहाँ केसेस निकल रहे हैं वहाँ पर सुबह के समय लार्विसाइडल और रात में फॉगिंग की जा रही है। लोगों को कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन दी जा रही है, मच्छरों से बचाने के उपाय किए जा रहे हैं, उनको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का सलाह दी जा रही है। इस तरह से पूरी तरह क्षेत्र में नगर निगम और ग्राम विकास विभाग की टीमें छिड़काव कर रही हैं, फॉगिंग कर रही हैं डेंगू से, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 5-5 बेड मच्छरदानी युक्त आरक्षित हैं। जिला अस्पताल में हमारे यहाँ 20 बेड आरक्षित है। इसके अलावा भी जो हमारा नंदा नगर में हॉस्पिटल है वहाँ पर हमने 25 बेड अलग से आरक्षित कर रखे हैं, आकस्मिकता की स्थिति में अगर यहाँ बेड फुल होंगे तो हम वहाँ पर भर्ती करेंगे। अक्टूबर से शुरू होने वाले संचारी रोग अभियान के तहत CMO कार्यालय स्थित प्रेरणा श्री सभागार में स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संचारी रोग अभियान से जुड़ी विभिन्न विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही शहर से लगाए गांव तक जन जन को संचारी रोग अभियान से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए प्रेरणा श्री सभागार में देखिए हम लोग के यहाँ ट्रेनिंग कंटिन्यूअस चलती रहती है, क्योंकि मेडिकल विभाग में पुरानी चीज़ों को छोड़कर के नए नए आविष्कार होते रहते हैं। नए आविष्कारों से लोगों को सदैव जानकारी के लिए ट्रेनिंग चलती रहती है। वहाँ पर जो है हमारा संचारी रोग का पुनः कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो,
XUV400, XUV300, XUV700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। बच्चों को 13 प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए 5 वर्ष की आयु तक 7 बार नियमित टीकाकरण आवश्यक है। इन सभी प्रमुख टीकों की उपलब्धता स्वास्थ्य केंद्रों से लाभार्थी तक गुणवत्तापूर्ण तरीके से सुनिश्चित की जा रही है। टीके की आपूर्ति के सभी स्तरों पर कोल्ड चैन के कारण भी सरकारी अस्पताल का टीका अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित और असरकारक होता है। इस संबंध में जिले के 84 कोल्ड चैन हैंडलर्स को तकनीकी जानकारियां देकर उनका क्षमता संवर्धन किया गया। ये जानकारी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने दी। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जिला प्रतिक्षण अधिकारी डॉक्टर नंदलाल कुशवाहा के प्रवेक्षण में क्षमता संवर्धन कार्यक्रम चलाया गया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। कोल्ड चैन हैंडलर्स की भूमिका टीके की गुणवत्ता बनाए रखने में अहम होती है। ये लोग सुनिश्चित करते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र पर बने कोल्ड चैन में टीके के 208 डिग्री तापमान के बीच बरकरार रखा जाए। अवकाश के दिनों में भी कोल्ड चैन के तापमान पर नजर रखी जाती है। हैंडलर्स की दिशा निर्देश है कि वो वैक्सीन का स्टॉक ऑनलाइन अपडेट रखें। साथ ही जहां किसी प्रकार के टीके की कमी है वहां आसपास के कोल्ड चैन से भी टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा, ये भी कोल्ड चैन प्रभारियों को भी जितने भी जनपद के कोल्ड चैन है उनको अपडेट करने के लिए और हमारे जनपद के सभी कोल्ड चेन जो हैं एक अटेंडी से सत्यापित किए गए हैं, तो अपनी इस गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए समय समय पर कोल्ड चेन हैंडलर्स की ट्रेनिंग की जाती है, वही ट्रेनिंग। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV400, XUV300, XUV700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध है और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आएं। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291।